हरिओम दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। और ये देखिए जहाज़ बन रहा है यहाँ पे। और ये हमारी इवनिंग राइड। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे पास शूज़ ही नहीं है, चप्पल लेके घूम रहा हूँ मैं। बंटू स्टार्ट है मिंज तो की 10-12 दिन बैठ है जा। रूम के ले आ पीजी। तो ये काफ़ी पुराना मेरा मित्र मिल गया मुझे यहाँ पे, कोइंसिडेंस। और देखिए दोस्तों जानवरों की हालत, पता नहीं पानी कैसे पीते होंगे, मिलता भी होगा इनको या नहीं। ओहो देखिए बच्चे मन के सच्चे। ये है शॉप, यहाँ पे शूज़ ले लेता हूँ मैं। ये वाला मैंने सिलेक्ट किया, फार्म में ऐसे ही शूज़ चलते हैं। 600 का पड़ा ना मुझे, 800 का वैसे। आज से 800 का है, ये 640 बोल रहे थे लास्ट मेरे लिए, लेकिन मैं चल पड़ा। फिर उन्होंने दूर से बुलाया मुझे, है ना, 40 रुपये के बीच में चल पड़ा था, लेकिन 600 का पड़ गया मुझे ये। अच्छा है, कर दो पैक इसको। तो शॉपिंग अभी मैंने कर ली। ये देखिए कि जो छल्ला है चाबी वाला, ये भी अभी लिया। अब जा रहे हैं रूम में वापस। शूज़ भी लिए, सॉक्सेस भी ली, एक डिटॉल साबुन लिया, मैं भूल गया था कि ये वन वे है। आँख में गिर गया था कुछ मेरी, इसलिए मैंने वाइजर बंद कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग। हरिओम दोस्तों, कल शाम को ये देखिए पिछला जो मडगार्ड है इसको ठोक दिया एक थार वाले भाई ने। ये देखिए, ये हमने लोहे की रॉड से ठीक किया है, पहले तो बिल्कुल पिचक गया था साइड में ये। 5 मिनट्स लेटर मैं 20 मिनट पहले पहुंच गया हूँ, देखिए गेट बंद है अभी। और मैंने सोचा GoPro की बैटरी में चार्जिंग होगी, लेकिन ये तो पूरा ही ऑफ है, तो फ़ोन से वीडियो शूट करनी पड़ेगी। ये जो लोहे की रॉड्स हैं ये भी टेढ़ी हो गई है, देखिए ये देखिए। तो कल बीच रोड पर जाम लगने वाला था, क्योंकि ये बिल्कुल ही साइड में हो गया था, बाइक चल ही नहीं रही थी। अभी बाइक खोल रहे हैं मडगार्ड को। 2 hours later तो फुल करवा दिया अभी मैंने टंकी। कितने हुए, 920 का 9.54 लीटर पेट्रोल। A few moments later. देखिए दोस्तों, ये है कैम्ब्रिज स्कूल, और ये जो बिल्डिंग है सामने इसमें हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे है टाइल्स। कल मैं स्पीड में था और सीधे शटर से बच गया अगला टायर। मीनवाइल शाम के बज गए हैं 7, सनसेट होने ही वाला है। और आप पीछे बाइक की लुक देखिए, बहुत ही सेक्सी लग रही है दोस्तों, बहुत ही गजब। एक तो NS में ये LED इंडिकेटर नहीं देते, RS में देते हैं, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ LED इंडिकेटर लगवाने के बारे में। देखिए आगे भी और पीछे भी। अब इसका मडगार्ड तो सुबह छुड़ा दिया, मतलब पीछे से टक्कर मार दी भाई ने, और ख़र्चा भी दे दिया, 1000 खर्चा आया। सनसेट होने वाला है, और ये यहाँ पे हैं चाय के बागान। तो अभी मैं एक पत्ता तोड़ के दिखा सकता था, लेकिन दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, ऐसा सिखाया गया है हमें। अगर चाय के पत्ते को आप मुंह में चबाओगे तो थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। मैं हूं अभी गोपालपुर में, यहां एक जू है जिसमें शेर भी हैं। तो अभी चलते हैं यहां से, और बहुत ही सेक्सी लग रही है दोस्तों मुझे तो, ये बहुत ही अल्टीमेट। पहले उतनी नहीं लग रही थी जब वो मडगार्ड था, इसको भी रिमूव करने के बारे में सोच रहा हूँ, और फ्लैशर भी सोच रहा हूँ लगवाने के, क्योंकि उसमें कई मोड होते हैं। पहले मैं सोचता था कि वो जो फ्लैशर होते हैं वो पहले से कंपनी इन बिल्ड आते हैं, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि KTM वाले हों चाहे
बजाज वाले बंदे खुद ही आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, तो मुझे भी ऐसे लगवाना पड़ेगा। और कल शाम को बर्फ़ पड़ गई थी पहाड़ों पे, इधर से भी दिख रही है लेकिन मेरा गोप्रो उतना अच्छा नहीं है तो आपको दिख नहीं रही होगी। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ से चलते हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं गोप्रो में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि जो हेलमेट है उसमें इसको मैं सेट करके रखता हूँ। चलते हैं भैया। किटकैट है? किटकैट दे दो, दो 40-40 वाले दे दो, दो। मैं भाई भाभी के पास जा रहा हूँ, दो बच्चे हैं तो उनके लिए अभी ट्रीट लेके जा रहा हूँ। बैजनाथ आगे से टर्न हो जाना, आगे से टर्न हो जाना, बाईपास आएगा ना आगे, फिर टर्न हो जाना इस साइड को, राइट? हाँ जी ठीक है। तो चलते हैं हम भी। भाई पूछ रहे थे बैजनाथ का पता, जहाँ शिव टेंपल है। रात को बाइक चलाना मुझे सबसे बुरा लगता है क्योंकि ये जो लाइट होती है सीधे आंखों पे बजती है दूसरी गाड़ियों की। एक तो जगह जगह ये लगाए हुए हैं, ये देखिए फिर से